बाय। बाय फिनिश टिफिन वाटर एंड डू सुसु टू टाइम्स हॉट डॉग गो एंड व्हिच टिफिन यू ब्रिंग ब्लू वन व्हिच टिफिन डॉग ए डॉग नो ब्लू वन चलो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी बस मैं जा रही हूँ सुपरमार्केट, बस एक मेजरिंग टेप लेना था मुझे वो लेके फिर मैं जाऊँगी हनी बनी को स्कूल से लेने। एंड आज मैंने ये नया वाला जो ड्रेस लिया था ना वो पहना है, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा जो है ना काफ़ी कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिख भी अच्छा रहा है ये वाला। What insect you want to be, Mama? I don't want to be insect. No, you will be insect. Then you can scare everyone if you be insect. Oh, like so that. So what insect you want? I want to be grasshopper. And we honeybee. Bumblebee. Superman. No. Superman is not a bug. Bunny will say ladybug. Bodies. You want to draw about insect's body? Yeah, but I didn't also. Can you help me? Mama? Yeah, I'll help you. Yeah. Mama, can you help me to draw Batman and Superman inside Batman robot? Okay. Batman, I have a robot. Big. It's a big robot. Oh, like that. And the Ice Man have also one robot. Hmm. But so can you make that for me also? Yeah. Okay. Fine. Mama. Hmm. This one can open then, and we can see this. Mama, you draw it. You will draw Batman and Superman and Batman robot so I can color them. Okay. With crayons. You have crayons or no? Yeah. Then. Mama, did we read? Shiva आ गया है। काम कर रहा होगा। गाइस एक बात देखिए, शिवा का चप्पल देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा शिवा, शिवा को शिवा का चप्पल मैंने दिखाया, अभी उसका पैर दिखा। अरे दिखा तो देखो, धोके नहीं, अरे मैं डैन चप्पल का पूरा उसके पैर में आ गया है। पर डिजाइन जैसे टैटू बना हो या मेहंदी लगाया हो ना वैसे हो गया है उसका। साइकिल में आता है वो बेचारा, उसका याद आया आपको? मैं चप्पल देख के याद आया। चलो देखो ना, बोल गादी करी चलो। Last time I can see you in a while. Is it the truth that you'll be living tonight? गुड आफ्टरनून गाइस। तो हनी बनी खा के सो गए हैं एंड यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो ये सब जो हमने शॉपिंग किया था ना कल्याण सिल्क से लास्ट टू लास्ट वीकेंड, तो मैंने बोला था कि आप लोगों को दिखाऊंगी बट फिर मैं भूल गई थी तो यहीं पे पड़ा हुआ था सब। तो अभी मुझे रखना है वापस, अंदर रखूंगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कुछ फंक्शंस है इस वजह से हमने कुछ ट्रेडिशनल कपड़े खरीदे हैं, मोस्टली जीत के एंड हनी बनी के। एंड मेरे मैंने एक काद कुर्ता ही लिया है, बाकी मैंने साड़ी ही लिया है जो कि अभी मेरे पास है नहीं। तो मैं फोटो शेयर कर लूंगी, जब मैं पहनूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी वो सब ब्लाउज फॉल पिक होने के लिए गया है। तो एक तो हमने लिया है हनी बनी का, ये है येलो कलर का कुर्ता है, या उन्होंने पहना भी था एंड इसमें रेड कलर की ऐसे धोती है। तो ये हमने दो लिया है एंड उसके साथ में ये माला दिया है। तो सेम हनी का एक, बनी का एक। तो ये हमें पड़ा अराउंड 85 दिरहम्स का। ये हमने शारजा कल्याण सिल्क से लिया है सारा। तो ये एक लिया है एंड हनी बनी के साथ में मैच करके जीत का हमने एक कुर्ता लिया है, ये वाला येलो कलर का। एंड ये है 155 दिरहम्स का। एंड इसके साथ में ना ये वाला आया है पैंट पजामा, तो वो तो इसके साथ नहीं पहनेंगे एक्चुअली। उनके पास, जीत के पास सेम
इसी कलर में एक धोती है, तो इसीलिए ये भी मतलब ये वाला कुर्ता जी धोती के साथ में पहनेंगे, इसीलिए हमने सोच के मतलब तीनों सेम पहनेंगे, इसीलिए हमने ये लिया है। एंड और एक कुर्ता लिया है हनी बनी का, ये है ऐसे ब्लू कलर में, मतलब थोड़ा डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू टाइप का, उसमें ये वाला है उसका पजामा। एंड जीत का एक्चुअली डिटो सेम कलर का कुर्ता एंड पजामा है, उनके सिस्टर की शादी में उन्होंने बनाया था, तो वो सोच के वो एक फंक्शन में पहन लेंगे तो ये हनी बनी उनके साथ में मैच कर जाएंगे, तो इसीलिए ये हमने लिया है। एंड हनी बनी के लिए ये लिए हैं ऐसे जो शेरवानी कुर्ता वगैरह के नीचे पहनने के लिए ट्रेडिशनल टाइप में। एंड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है जिसके बारे में जीत को पता नहीं है, तो मैंने अलग से जीत के लिए एक कुर्ता ऑर्डर किया है जो कि वो मतलब किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। एंड हनी बनी जीत का मैचिंग मैंने पठानी सूट ऑर्डर किया है, यहाँ पे जो शॉप में मुझे जो पठानी सूट मिल रहा था ना वो ब्लैक कलर का मतलब कुर्ता एंड सलवार जो है वो व्हाइट कलर का मिला, तो मुझे पूरा ब्लैक चाहिए था, तो पठानी सूट मैंने जीत का एंड हनी बनी का सेम ब्लैक कलर का ऑर्डर किया, तो यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी। एंड और एक मैंने नॉर्मल सा कॉटन सा कुर्ता ऑर्डर किया है सेम हनी बनी का जैसा जीत का वैसा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ट्रेडिशनल पहनते ना, तो तीनों बाप बेटे अगर सेम पहने ना तो बहुत अच्छे दिखते हैं, एंड तो इसीलिए मैंने सेम सेम ऑर्डर किया था। एंड मैंने अपने लिए बस यहाँ से एक सूट लिया है जो कि मैंने वीडियो में भी दिखाया था, ये वाला एक सिंपल सा, ये मतलब सिल्क प्योर पूरा सिल्क नहीं है, सिल्क कॉटन मिक्स है इसका, मतलब वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है बट इसका कलर बहुत अच्छा है, शाइन आता है एंड ये पूरा फ्लेयर टाइप में है एंड ये उसका कॉन्ट्रास्ट टाइप का मतलब दुपट्टा है। इसका एक पिंक कलर भी था बट पिंक मेरे पास बहुत सारे हैं इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया, क्योंकि इसके साथ में ना जैसे आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा रेड कलर की चूड़ियाँ वगैरह पहनोगे ना तो अच्छा दिखेगा, इसीलिए मैंने ये बस एक कुर्ता लिया है। एंड ये कुर्ता मैंने लिया, ये तो शायद मैं एक्सचेंज करूंगी, ये कॉटन का एक रेड कलर का सिंपल सा कुर्ता है, तो ये मुझे ना ये वाला कुर्ता मुझे आया 170 दिरहम्स का एंड ये आया 70 दिरहम्स का, तो जीत बोल रहे हैं ये एक सिंपल सा क्यों ले रही है, इसी टाइप का और एक ले लेना थोड़ा सा और पैसा ऐड करके, ये एक सिंपल सा क्यों ले रही है, बट मुझे लग रहा है कि हाँ ये मैं नॉर्मल डेज में भी पहन सकूंगी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो ये मैंने लिया है, देखते हैं इसको शायद एक्सचेंज होगा पता नहीं। एंड मैंने और साड़ी ही पहनूंगी मैं फंक्शन में, इसीलिए मैंने और कुर्ते नहीं लिए हैं, एक तो ये वाला कांजीवरम जो भाई की शादी में हुआ था एंड एक ये वाला कांजीवरम जो मेरे ननंद की शादी में हुआ था, ये कांजीवरम काफी एक्सपेंसिव आते हैं इसलिए मैं तो कभी नहीं खरीदूं, ये भाई ने दिलाया था एंड ये ननंद की शादी में हुआ था, आई थिंक 20,000 के ऐसे कुछ है। एंड मैं जो नॉर्मली देखती हूँ ना नकली वाले कांजीवरम जो मतलब सेम एक साड़ी के पैसे में 15 नकली वाले कांजीवरम तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इस टाइप की साड़ियां ना एक तो यहाँ पे इतना मौका नहीं मिलता है कि इस टाइप की साड़ी पहनो एंड दूसरा एक बार पहन लो तो फिर दोबारा पहनने का मन भी नहीं करता, ये लड़कियों का थोड़ा होता है, इसीलिए मैंने कुछ ऐसे इस टाइप के नकली कांजीवरम कुछ ऑर्डर किए जिस जो सब स्टिच होने के लिए गए, मतलब फॉल पिक को ब्लाउज बनने के लिए गए, तो इसका मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी एंड जब जिस दिन मैं पहनूंगी ना उस दिन मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर दूंगी। तो दो इस टाइप के नकली वाले कांजीवरम लिए, मैंने एक पहना भी था करवा चौथ में, वो भी नकली कांजीवरम ही था, तो उसका फोटो भी मैं आप होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, बहुत अच्छा लगता है मतलब अच्छे से रहता है एंड वो एक जो मैंने करवा चौथ में पहना था ना आई थिंक वो 700 रुपीज का ऐसे कुछ था, मैं इंडिया से लेके आई थी 700 रुपीज का कुछ एंड जो कि इसी टाइप का ही दिख रहा था, तो वो उसकी फोटो मैं लगा दूंगी। एंड दो वैसे मैंने खरीदे हैं एंड दो मैंने दो तीन ऐसे मैंने कुछ वो लिए हैं जो कॉटन सिल्क टाइप का है ना, सिंपल सा बहुत सस्ते वाला जो कॉटन सिल्क जैसे ऐसे घर में डेली मतलब ऐसे नॉर्मल किसी फंक्शन वगैरह में पहनने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सावित्री व्रत भी आ रहा है, रौजो भी आ रहा है, तो हमारे मतलब हमारी एनिवर्सरी भी है, बर्थडे भी है, तो किसी भी ऐसे ओकेजन में पहनने के लिए मैंने सिंपल कॉटन सिल्क सा साड़ी लिया है, तो वो उसकी फोटो भी मैं लगा दूंगी एंड जब मैं पहनूंगी उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगी। तो यही कुछ आगे आने वाले टाइम में कुछ फंक्शंस है इसीलिए मैंने कुछ ट्रेडिशनल कपड़े लिए, साथ में कुछ बैंगल्स वगैरह भी लिए हैं, तो वो सब जब आ जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो बस यही था हमारा
शॉपिंग जीत मोस्टली जीत का हनी बने का यहाँ पे हुआ है, बाकी सब मैंने ऑनलाइन ही किया है। तो बस देखते हैं। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं खाना बनाने के लिए। सिंपल सा एक गोभी भाजी बनाऊंगी एंड देखते हैं, चलिए किचन में चलते हैं पहले। सो गाइस अभी ये बर्तन रख दूंगी, देन पत्ता गोभी की भाजी एंड दाल चावल सिंपल सा बनेगा। एंड बट जिस दिन हमने संग्राम माई का कार बुक करने गए थे ना, उस दिन मैंने बनाया था पालक वाली एग करी, बहुत ही अच्छा बना था। मतलब नवरात्र में तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, उसके बाद 5-6 दिन हो गया था हमने नॉनवेज नहीं खाया था, तो वो पहली बार मतलब नवरात्रों के बाद पहली बार हमने एग करी बनाया था एंड बहुत अच्छा बना था। बट उस दिन ना ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैंने और शेयर नहीं किया, तो आज वो वाली रेसिपी मैं शेयर करी। बट ये पुरानी रेसिपी है तो आप वो देख के आइए एंड एक बार ट्राई करना अगर कभी ट्राई नहीं किया है, बहुत अच्छा बना था। तो मैं जल्दी जा रही हूँ, सिंपल सा दाल चावल गोभी भाजी बनाऊंगी एंड आप वो वाली रेसिपी जो है वो देख के आइए। तो अभी मैं पालक वाली एग करी बनाऊंगी, तो उसके लिए पहले बॉइल्ड एग को ऐसे ऑयल एंड हल्दी डाल के थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ पहले। तो यहाँ पे मसाला भुन गया है, मैं क्लिप लेना भूल गई थी। यहाँ पे प्याज अदरक एंड लहसुन एंड थोड़े से खड़े गरम मसाले उसका पेस्ट भुन लिया था, देन उसमें टमाटर ऐड करके उसको अच्छे से भुन लिया है। हमेशा मैं बोलती हूँ जितना अच्छे से मसाला भुनोगे उतना ही टेस्टी आपका जो करी है वो बनेगा। तो ये भुन गया है लगभग, तो इसमें अभी हम लोग पाउडर मसाले जो है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, मीट मसाला। यहाँ पे थोड़ी चटपटी मसालेदार सब्जी बना रही हूँ क्योंकि नवरात्रों के बाद से हमने और नॉनवेज नहीं खाया था एंड उसके बाद से बहुत सिंपल सा आप लोग देख रहे होंगे दाल भाजी इसी टाइप का ही खा रहे थे। तो बस इतने दिनों के बाद एग बना रही हूँ तो थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ। तो बस मसाला को थोड़े से पाउडर मसाले को थोड़ा सा और 30 सेकेंड्स के आसपास भून लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने लिया है 2 बंच पालक के एंड 1 धनिया पत्ता। तो अभी पूरा मैं उस एग करी में ऐड करूंगी, तो इसको पहले अच्छे से धो के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब चॉप कर लेते हैं इसको। तो इसमें अभी ऐड कर देंगे फ्राइड एग, मिक्स कर लेंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे पालक एंड धनिया जो चॉप करके रखा था। यह अभी बहुत कम हो जाएगा, आप चाहो तो इसका पेस्ट बना के मतलब पालक धनिया का पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हो, बट ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे मुझे इजी लगा तो ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया। सो यहाँ पे देखिए करीब 7-8 मिनट के बाद पालक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं एंड ग्रेवी कितनी सुंदर मतलब टेस्टी लग रही है ना, एंड खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप सिमिलर वे में चिकन भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। छोले भी ऐसे ही बना सकते हो, छोले पालक मिक्स करके ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये लगभग बन के रेडी है, मतलब बन ही गया है। अगर आप पराठा रोटी के साथ में खाना चाहते हो तो ऐसे ही थिक ग्रेवी रखना, अगर आप चावल के साथ में खाना चाहते हो तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके नमक ऐड कर लेना। तो जीत को मैंने पूछा तो उन्होंने दोपहर को रोटी खाया है, हमने भी रोटी खाया है, तो चावल बनेगा रात को, तो मैं इसमें थोड़ा सा बस गर्म पानी ऐड कर रही हूँ ये, एंड बस गर्म पानी के हिसाब से हम लोग नमक ऐड करेंगे। और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें धनिया पत्ता डला हुआ है एंड खड़े गर्म मसाले भी डले हुए हैं, तो मतलब गर्म मसाला वगैरह कुछ भी ऐड करने की और ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ग्रेवी काफ़ी है, नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा बस। तो ये बन के रेडी है हमारा एग पालक करी। Is it the truth that you believe in tonight? We should take a walk and a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings, just like we got through everything. Guys, namaskar, assalam alaikum, sasriya kaal. तो कैसे हैं आप? बढ़िया है। इनको मतलब ऑयल बना के उसमें रखो, बच्चों को भी लगाना पड़ता है, इनको भी लगाना पड़ता है, आप खुद नहीं लगा सकते थोड़ा सा ऑयल?
खुद कोई ऑयल लगा था, देखो ज्यादा गर्म तो नहीं है? ब्लॉग एंड कर दो, मैं बस मालिश करूंगी फिर उनको सुलाऊंगी, आप अपना खाना वाना खाना, ऑलरेडी लेट हो गया। अभी ब्लॉग तभी एंड होगा जब तक मेरे, जब तक तेरा हाथ चलेंगे तब तक ये ब्लॉग चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, उसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड हो जाएगा। तो इसलिए तो हाथ चलाती रहे, आप लोग घूम के आयो, नहीं तो फिर इसके हाथ थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए मेरे सर पे। So guys, आज का ब्लॉग यही, समय समाप्ति घोषणा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक ले स्टे सेफ स्टे हेल्दी। मजा आ रहा है, आप भी जाके चंपी करा के आओ, कल बात करेंगे कैसा लगा आपको। आज सब पिलो पे अपना टॉवल डाल के सोएंगे क्योंकि मैंने पूरा टॉवल से नहला दिया। अगर टॉवल नहीं डाला तो कल अगले दिन सिग्नेचर पड़ा होता हमारा वहां पे। हनी बनी का मेरे मैंने बहुत ज्यादा लगा। लोग फिंगरप्रिंट्स थंबप्रिंट्स लेते हैं, हम हेड प्रिंट्स मार देते हैं। हनी बनी का ना, जब वो उनका मुंडन हुआ था ना, तब मैंने बोला था इनको कि दो तीन, जब थोड़ा थोड़ा बाल आता है ना तो दो तीन बार एक साथ मुंडन कर दो तो अच्छे बाल आते हैं। ए, क्या बात है, से हाय, से कैसे हैं आप? प्रॉपरली आस्क। तो दो तीन बार मुंडन कर दो तो अच्छे बाल आएंगे। नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना। नहीं, एक ही बार मुंडन, एक ही बार मुंडन। अभी बोल रहे हैं इनके बाल थोड़े से पतले आ रहे हैं ना, उनका अभी अभी बोलने से क्या फायदा, अभी मुंडन करोगे क्या? अभी इतने बड़े हो गए हैं। तो बड़े क्या हो गए, ये क्या है, कितने कितने बड़े लौंडों के मुंडन करा के उनके बाप पता नहीं क्या कर देते थे। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब समर वेकेशन होंगे ना उनके, उसी दो महीने के लिए, उसी टाइम पे करेंगे तो दो महीने में थोड़े थोड़े आ भी गए होंगे। मेरे भी बाल कितने कम हो गए हैं दिख रहा है, पता चल रहा है। इनके इनके झड़ने का एक ही रीजन है, ये जो जेल लगा के सेट करते ना बाल, वो जेल ऑफिस जाके धोते नहीं है, वो जेल नेक्स्ट डे तक रहता है, नहा लेते हैं सर धो के फिर से जेल लगा के वैसे ही रहता है, 24 घंटा उनके सर पे जेल लगा रहता है। इतना भी कम नहीं है, ठीक है, वो दिखता है ऐसे। वो चमकता है क्योंकि बाल जब चमकी होते हैं ना, तेल चिपक जाता है ना आपस में। चलिए गाइस, ये आहा उहू अभी पूरा पीठ कमर तक चारों तरफ जाएगा, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर लॉट्स ऑफ लव। अगर ऐसे ही पीठ कमर तक जाना ही है तो फिर मैं टी शर्ट उतार के आराम से करवा के आता हूं। यही तो है, आप लोग घूम के आइए और मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।